नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, शुक्रवार का दिन है। जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। यहां से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब एग्री कमोडिटीज की। जानेंगे रूपा जी से कि आज कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा रह सकता है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। सबसे पहले बात करेंगे रूपा जी से कैसे सीड के ऊपर। रूपा जी देख रहे हैं कैसे सीड का जनवरी वायदा 5900 पर आज भी सस्टेन हो रखा है, हल्की सी मामूली सी करेक्शन है। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अब भारत में भी कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में अब कहीं ना कहीं सप्लाई बाधित होने की आशंका है या फिर कह सकते हैं कि कुछ डिमांड डिस्टर्ब हो सकती है? देखिए, अभी फिलहाल ऐसा कोई बहुत ज्यादा मतलब लॉकडाउन जैसी स्थितियां तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगाई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी तरफ से थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन पूरी तरह से अभी हम नहीं कह सकते कि एकदम से सप्लाई डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। ट्रेंड देखिए एग्री कमोडिटीज का पॉजिटिव ही रहने वाला है आने वाले टाइम में, चाहे आप कैस्टर देखिए, कॉटन ऑयल सीड केक देखिए, सब में तेजी आगे चलकर बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर लॉकडाउन भी लगता है तो एग्री कमोडिटीज मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती हैं। और अभी जो बाजारों का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली कैस्टर सीड की बात करें तो 6000 तक की रेंज है अभी ऊपर में, 6000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 6200 तक मैक्सिमम अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं 3379 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3413 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी से ज्यादा की करेक्शन है। रूपा जी देख रहे हैं कि कल को हमने बिनौला खल में करेक्शन बनती हुई देखी थी, लेकिन 3300 के ऊपर तब भी सस्टेन था, आज भी देख रहे हैं कि हल्की सी करेक्शन है और आज भी 3300 के ऊपर सस्टेन है। हालांकि आपने जो टारगेट दिया था 3413 का, उसका हाई भी लगा चुका है, आपका 3400 का टारगेट भी पूरा हो चुका है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में बिनौला खल में कुछ करेक्शन बनेगी या फिर 3400 के भी ऊपर जाएगा? देखिए आगे चलकर बिनौला खल में करेक्शन जो है अभी यहाँ से बहुत कम लग रही है अखिलेश, छोट मोट गिरावट देखिए आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन बना रह सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अब यहाँ से 3400 के बाद आप मान के चलिए 3600 से लेकर 4000 तक का स्तर आगे दिखाई देता है कि फरवरी वायदा छू सकता है। जनवरी वायदा की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से 3500 से 3600 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए हल्की करेक्शन जो कि नीचे में हो सकता है आपको 100 से 150 पॉइंट की करेक्शन आ जाए, लेकिन वहां से वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। और मुझे लगता है हो सकता है करेक्शन ना भी देखने को मिले, वॉल्यूम्स बाइंग की तरफ ही बढ़ते हुए हमें दिखाई दे, लेकिन अभी ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है अब यहाँ से 3400 का जो स्तर छू चुका है इसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के बाद बिनौला खल आगे चलकर आपको 3800 से 4000 के टारगेट आगे फरवरी वायदा तक देखने को मिल सकते हैं। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि जीरा आज 17000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि जीरे में अब कहीं ना कहीं तेजी बननी शुरू हो गई है, अचानक से जीरा देख रहे हैं कि 17000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, जहां पे जीरा लगभग 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले 16000 के लेवल्स पर था और फिर हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 17000 के ऊपर सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा है। धनिया भी देख रहे हैं लगातार 9300-9400 के ही दायरे में और हल्दी भी 10300-10400 के रेंज में ट्रेड करती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी मसालों के लिए अच्छा रह सकता है? बिल्कुल, मसालों में तेजी है अखिलेश, मैंने शुरुआती ही इस साल के शुरुआत में ही मैंने ये बोला था कि इस बार मसाले अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं और मसालों में एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। और आप देखिए अभी जनवरी महीने में हमने मसालों में एक अच्छी तेजी आते हुए देख लिया और अब ये तेजी आगे कॉन्टिन्यूशन में बनी रह सकती है। जीरा 17000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आगे चलकर आपको 18000-18500 तक की तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं धनिया की बात करें तो धनिया में 10000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। हल्दी ऑलरेडी काफी तेज हो चुकी है, 10000 के ऊपर सस्टेन कर रही है, अब यहाँ से 11500 से 12000 तक की तेजी में हल्दी भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो अभी जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है मसालों में काफी अच्छा है, पॉजिटिव है, जो भी करेक्शन आए करेक्शन के अंदर अब इनमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि ग्वार गम का जनवरी वायदा 11100 के ऊपर आज भी सस्टेन है। 11000 ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड का जनवरी वायदा 6200 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड 10000 के ऊपर सस्टेन है और 11000 से ऊपर नहीं निकल रहा है, एक रेंज में देखने को मिलता है,
अगर सुबह को बाजार तेजी के साथ खुलता है तो शाम होते होते प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, या फिर अगर सुबह का बाजार नरमी के साथ खुलता है तो शाम होते होते बाइंग इनिशिएट होती नजर आ जाती है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ग्वार का बाजार ऐसे ही उठापटक वाला रहेगा, बल्कि हम देख रहे हैं कि ग्वार के जो फंडामेंटल्स है वो भी मजबूत हैं? देखिए ग्वार में अभी तेजी ही बनी हुई दिखाई दे रही है और देखिए आप ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है, कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है मार्केट और उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अब मान के चलिए भी अगर अब ग्वार अगर तेजी पकड़ता है, रफ्तार पकड़ेगा, तो फिर इसमें करेक्शन की कहीं भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देगी। लगातार हमें ऊपर के सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पर अभी फिलहाल जो है बाजार सस्टेन कर रहा है और यहाँ पर अगर यहाँ से थोड़ा सा भी 500-700 पॉइंट की ओर तेजी पकड़कर मार्केट वहां पर रुक गया तो एकदम से ह्यूज बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल पहले ही सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा आप देखिए कच्चा तेल एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है, कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी आई है, उसका भी असर ग्वार की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है और ग्वार के अंदर अभी यहाँ से आप मान के चलिए करेक्शन में भी वही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, नीचे लुढ़कता है तो 10,000 तक नीचे है डाउनसाइड। और ऊपरी स्तरों की अगर आप बात करें अब यहाँ से 12,500 से लेकर 13,000 तक के स्तर गम में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं और सीड जो है ऊपर में 6,500 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा देख रहे हैं 6,300 के ऊपर सस्टेन है आज भी और 6,330 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि सोयाबीन 6,200 से 6,300 की रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में सोयाबीन 6,400 या 6,500 के भी लेवल्स टच कर पाएगा या फिर इसी रेंज में रह जाएगा? देखिए तेजी अगर सोयाबीन में बनती भी है तो तेलों में ही, यहाँ से सोयाबीन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में मैक्सिमम अपसाइड 6,500 तक पकड़ सकता है, 6,400-6,500 ये स्तर संभव है कि आ सकते हैं, वहीं नीचे में 6,000 का स्तर है। तो आप देखिए ये रेंज है इसकी, इसी रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आने वाले कुछ दिनों में बाजारों में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। लंबी तेजी फिलहाल सोयाबीन में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, हमें ऐसा लगता है कि 6,500 के आसपास मैक्सिमम अपसाइड एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी कपास के लेकर हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार कपास को लेकर आ रहा है, कॉटन को लेकर आ रहा है। रूपा जी हाल ही में हमने देखा है कि कॉटन की जो आवक है मंडियों में वो थोड़ी कम हुई है, किसानों ने होल्ड कर लिया है, स्टॉक कर लिया है कॉटन को भी सोयाबीन की तरह, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की जो आवक अच्छी क्वालिटी की जो कपास है वो इतनी नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि इस बार हमने कॉटन की क्रॉप को डैमेज भी होते हुए देखा है और ऊपर से अब कोरोना भी आ चुका है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है, सबको डर रहता है कि भीड़ भाड़ में ना जाएं, ऐसे में आपको क्या लगता है हाजिर और वायदा में आगे कॉटन की कपास की कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए अखिलेश अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसके चलते कॉटन में अभी भी तेजी है। अब वायदा में देखिए लगातार अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि M6 वायदा 36,000-36,500 के ऊपर निकल सकता है। वहीं अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन है उसको हमने मंडियों में 11,000 के ऊपर भी बिकते हुए देखा है। तो अभी जो क्वालिटी को लेकर इशू आ रहे हैं क्योंकि जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसके प्राइजेस नो डाउट आगे चलकर भी तेजी वाले ही रहने वाले हैं और कॉटन में डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है और सप्लाई काफी डिस्टर्ब है, ना केवल डोमेस्टिक बल्कि वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो कम बताई जा रही है और जो प्रोडक्शन है उसमें भी अब फसल जो है वो खराब होती दिखाई दे रही है। तो सिनेरियो काफी पॉजिटिव है, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती भी है तो छुटमुट आप देखिए करेक्शन की तरफ मार्केट जा सकते हैं क्योंकि जो जिन किसानों ने माल रोका हुआ है अगर ऐसी स्थिति आती है, लेकिन अभी संपूर्ण लॉकडाउन वाली तो फिलहाल कोई स्थिति नहीं बन रही और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो जो फार्मर्स ने माल रोका हुआ है वो हो सकता है कि मंडियों में निकलने लगे और उसके चलते थोड़ा बहुत दबाव आ जाए क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ने लगेगी तो थोड़ा बहुत कीमतों में करेक्शन आ सकता है। लेकिन वहीं अच्छी क्वालिटी की कपास के अंदर अभी भी तेजी का रुझान है और वो बनी रह सकती है। जी रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ सोमवीर सिंह जी जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्वार 7,000 तक हो सकता है? देखिए बिल्कुल संभव है, 7,000 के स्तर भी अभी फिलहाल हमें लग रहा है कि 6,500 के आसपास जा सकता है, 7,000 तक की भी तेजी देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी ग्वार के लिए अगर यहाँ से अच्छा चलता है मार्केट तो 7,000 तक संभव है। जी रूपा जी दर्शक जुड़े हमारे साथ गौरव साहू जी जिनका सवाल खाद्य तेलों को लेकर आ रहा है, ये खाद्य तेल के बाजार में जानना चाह रहे हैं कि खाद्य तेल का बाजार कैसा रह सकता है, कैसा चल रहा है और कीमतें आगे क्या रह सकती हैं? देखिए खाद्य तेलों का बाजार अभी काफी सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, छुटमुट तेजी में रह सकता है मार्केट,
लेकिन लंबी तेजी हमें दिखाई नहीं देती है। हमारे हिसाब से बाजार इसी रेंज में घूमता रहेगा और आगे चलकर बल्कि दबाव ही आने वाला है, लंबी तेजी के आसार काफी कम है। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के लिए? देखिए टॉपिक की बात करें तो अखिलेश, टॉपिक जो है हमारी रहेगी कॉटन ऑयल सीड केक में एज यूजुअल। अब यहाँ से 3500 का स्तर हम जनवरी वायदा में देख रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। वहीं मसालों में खरीदारी की जा सकती है और इसके साथ साथ ग्वार गम और ग्वार सीड, ये कमोडिटी काफी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। ग्वार सीड में आप 6500 का टारगेट आपको हो सकता है कि अगले हफ्ते देखने को मिले। 6500 के टारगेट के लिए आप ग्वार सीड में बाय करके चल सकते हैं। पिनोला खल में 3500 के स्तर के लिए बाय किया जा सकता है। वहीं मसालों में भी एक अच्छा रुझान बन सकता है, मसालों में भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।